महानगर में छठ पूजा के तीसरे दिन मंगलवार को कार्तिक शुक्ल षष्ठी को व्रती महिलाएं छठ माता के प्रसाद बनाने में सुबह से ही लगी रहीं। छठ माता के प्रसाद बनाने में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद के पकवान बनाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में पूड़ी, ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, और चावल के लठ बनाए जाते हैं, जो छठ माता को अति प्रिय हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। व्रती महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ घर की साफ सफाई करके सावधानी पूर्वक छठ माता के लिए प्रसाद बनाती हैं। बनाते समय महिलाएं छठ माता के गीत भी गाती हैं। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी प्रसाद बनाने में भरपूर सहयोग करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए व्रती महिलाओं ने कहा, क्या करते हैं छठ पूजा की तैयारी, जैसे दो दिन तीन दिन से तहीं से हम लोग सफाई सुथरा करने लगते हैं। सफाई सुथरा करके एक दिन भर तो एक दिन तो नहा खा करते हैं, दूसरे दिन रहते हैं रसिया रोटी, तीसरे दिन छठ पूजा होता है तो वही चूल्हा पारते हैं। चूल्हा नया चूल्हा पर आएगा, उसी पर देसी घी में सब साफ बर्तन रहेगा, पीतल खुला जो भी वही में पकवान पाकेगा, और वही हम सब लोग फल रहेगा वही लेके हम लोग छठ घाट। कितने तरह के पकवान माता जी को चढ़ाने? देखिए अपना माता जी के तो पकवान होता है, पूड़ी बनता है, खस्ता बनते, ठेकुआ बनता है, और उसके बाद जैसे फल रहता है तो फल में नारियल हो तो ये नींबू केला यही, हाँ यही सब सभी प्रकार का फल रहता है। आ पकवान दो ही चीज़ रहता है, पूड़ी या ठेकुआ, मेन पकवान, हाँ मेन पकवान यही होता है। अच्छा, इसके छठ माता जो व्रत करती है महिला, हाँ इसके पीछे क्या महत्व है, क्या मान्यता है? इनके बहुत महिमा है छठ पूजा, तो ये व्रत सूरज भगवान के है, छठी मैया के है। ये व्रत होता है जैसे सुहाग भी अपना बना रहे, बच्चे सब सही रहे, आ ये इसी घर में माने सुखी संपत्ति सब परिवार अच्छा से खुश रहें। कितने साल से करते हैं? हम करते हैं, हमारा 25-26 साल से छठ व्रत करता हूँ, कर रहे हैं। आज इस शाम की तैयारी क्या होगा? आज शाम को हम लोग क्या करेंगे, प्रसाद बना करके नहा सब फिर से नहाएंगे,
सब दौरा सरियाएंगे, दौरा सरिया करके सब कपड़ा नया सब पहनेंगे, पहन के छठ माता का पूजा जाएंगे, सूर्य भगवान के जल वो देंगे, अर्घ देंगे, हनुमान गढ़ी जाएंगे, वहाँ अर्घ देंगे, तब अपन वहाँ बना रहता है छठी मैया, उनको पूजते हैं। आज जब घर पर आएंगे तो कोसी भरेंगे, यही हम लोग के। जी ये छठ पूजा की तैयारी चल रही है। कितने साल से आप व्रत हैं और किस तरह के पकवान बनाते हैं? जी ये प्रथा तो साल वर्षों से चली आ रही है, पिछले 5 सालों से मैं भी ये व्रत कर रही हूँ और इसकी बहुत बहुत ढेर सारी मान्यताएं हैं। यहाँ इसमें तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, पूड़ी, ठकुआ, चना और खट्टे मीठे फल इत्यादि बहुत सारी फल चढ़ाए जाते हैं। इसमें आप स्टोव पे बना रही हैं क्या उसको? जी वैसे तो ये मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता है, लेकिन मिट्टी का चूल्हा ना रहने के कारण स्टोव पे मैं बना रही हूँ और इसमें बहुत सारी सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है।